श्रीमद भगवद गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 47 दिखेंगे। पहला चरण, यहाँ से श्लोक भगवान बोल रहे हैं, इसलिए श्री भगवानु वाच। पहला चरण, मम्मी अमिक्स करेंगे, मया प्र प्र का अर्थ होता है प आधा र पूरा, प्र स के साथ आधा न प्रसन्न ने न में अमिक्स करेंगे, प्रसन्न ने न त में अमिक्स करेंगे, त वा के साथ आधार तवार जु ने द शब्द पूरा होने के बाद द पे अनुस्वार आधम तवार जु ने दम। पहला चरण फिर से, मया प्रसन्न ने न तवा जु ने दम। दूसरा चरण, रूप, रू की मात्रा बड़ी है, शब्द पुराने के बाद प पे अनुस्वार रूपम, पर दोनों शब्द दोनों अक्षर पूरे, र पे अनुस्वार आधम परम, द द शी के साथ आधार दर शी, त में अमिक्स करेंगे दर्शित, माँ के साथ आधा तम मात्म में अमिक्स करेंगे मात्म, योगा के साथ आधा त योगात। दूसरा चरण फिर से, रूपम परम दर्शित मात्मयोगात। पहला और दूसरा चरण साथ में, मया प्रसन्नेन तवा जुनीदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात। तीसरा चरण, तेजो म य दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे मय य पे अनुस्वार आधा व तेजो मयम, वी के साथ आधा शब्द विश्व में अमिक्स करेंगे विश्व, म में अमिक्स किया म, न के साथ आधा नन, त में अमिक्स किया मनंत, माँ के साथ आधा द माध्य शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार माध्यम। तीसरा चरण फिर, तेजो मयम विश्व मनंत माध्यम। चौथा चरण, य के साथ आधा नयन में, त आधे के साथ व पुरत्व, द के साथ आधा न दन ये न में मिक्स करेंगे दन ये न, फिर न पूरा न, द के नीचे री की मात्रा द्री, द्री के साथ आधा सदृश ट, ट में मिक्स किया दृष्ट पू, व पे आधार है उसको पूर्व, व के साथ आधा में पूर्वम। चौथा चरण फिर से, यन में त्वदंगे न दृष्ट पूर्वम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तेजो मयम विश्वमनंत माध्यम यन में त्वदंगे न दृष्ट पूर्वम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्न प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमात्यं यन्मे त्वदङ्गेन न दृष्टपूर्वम्। एक बार फिर से, श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवा अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदङ्गेन न दृष्टपूर्वम्। श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्री भगवान वाच यानी श्री भगवान बोले, मया यानी मैंने, प्रसन्नेन यानी प्रसन्न होकर, तवार्जु तव धन अर्जुन और अर्जुनेन इदम, तव यानी तुमको, अर्जुन अर्जुन शब्द प्रयोग किया है भगवान ने अर्जुन के लिए, और इदम यानी इस, आगे रूपम रूप परम, परम जो रूप है वो दर्शितम आत्म, तो दर्शितम मा का आधा म दर्शितम, फिर आत्म फिर योगात, तो दर्शितम यानी दिखाया है, आत्मयोगात यानी अपने योग से, योग का अर्थ होता है सामर्थ्य, तो अपने सामर्थ्य से।
तेजोमयम जो तेज स्वरूप है, विश्वमनंत माध्यम। अब इसमें कैसे शब्द होंगे, विश्वमनंत और आद्यम से म निकालेंगे तो विश्वमनंतम और आद्यम, तो विश्वमनंतम में फिर वापस टुकड़े होंगे, विश्वम यानी विश्व, म में अमिक्स करते हुए अनंतम यानी अनंत और आद्यम यानी आदि। यन में त्वदन्येन, यन में इसमें होगा यन में त्वदन्येन यत यानी जिसको, त्वदन्येन त्वम प्लस अन्येन तुम्हारे, अन्येन तुम्हारे अलावा, नहीं दृष्ट पूर्वम पहले तुम्हारे से पहले इसे किसी ने नहीं देखा है। पूरा अर्थ क्या निकला, हे अर्जुन मैंने प्रसन्न होकर अपने योग से या अपनी सामर्थ्य से मेरा ये परम रूप, परम यानी श्रेष्ठ भी हो सकता है, तो परम तेज स्वरूप जो सबका आदि है, अनंत है और विश्व रूप तुझे दिखाया जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने भी नहीं देखा है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।